अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वेट शर्ट और स्वेट पैंट के बारे में बताने जा रहा हूं। यकीनन आप में से बहुत से लोग स्वेट शर्ट के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन स्वेट पैंट आपने अक्सर नहीं सुनी होगी आम तौर पर। दोस्तों, ड्रेस पैंट के बारे में और कैजुअल पैंट के बारे में भी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आज हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आप दोस्तों मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैप वीडियो पर भी मुझे विजिट, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है स्वेट पैंट, शर्ट, कैजुअल पैंट के मुतल्लिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कैजुअल पैंट को आप बखूबी समझते होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों, व्हाट्सएप पर मुझसे रابطہ करके रब नवाज ने ये पूछा था कि सर, कैजुअल पैंट, ड्रेस पैंट या फिर स्वेट पैंट का क्या मतलब होता है, इनको कैसे पहचानेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि बआसानी ये बता सकूं कि कैजुअल पैंट किसको कहा जाता है। जब भी आपके सामने कोई कैजुअल पैंट आए या आप मार्केट में जाएं या किसी को पहना हुआ देखें, तो आपको पता चल जाए कि ये कैजुअल पैंट है। और अगर आप ड्रेस पैंट को समझना चाहते हैं तब भी आपको बआसानी ये पता चल जाए। और स्वेट पैंट के बारे में यकीनन ये स्पेशल वीडियो है, तो आपको इसे लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इस टॉपिक से फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कैजुअल पैंट। कैजुअल पैंट किसको कहा जाता है? कैजुअल पैंट बेसिकली कहा जाता है एक आम पैंट को जो कोई भी वेयर करता है, पहनता है, खरीदता है। उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, आगे उसमें कलर की कैटेगरीज भी आ जाती हैं, उसमें पैटर्न यानी फिटिंग की कैटेगरीज भी आ जाती हैं, उसके अलावा उसकी शेप की कैटेगरीज भी आ जाती हैं। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर हम फैब्रिक की कैटेगरीज की बात करें तो उसमें फैब्रिक कैटेगरीज भी आ जाती हैं, लेकिन अमूमन दो पाई जाती हैं, एक होता है नॉन स्ट्रेच और एक होता है स्ट्रेच। यानी एक लचकीला फैब्रिक होता है जिसमें लचक होती है, और एक रिजिड फैब्रिक होता है जिसमें कोई लचक नहीं होती। दोस्तों, ये दो किस्म के फैब्रिक्स होते हैं। तो कैजुअल पैंट, जैसे आपने नॉर्मल पैंट पहनी है उसमें आपकी वेस्ट आपने जो पहनी हुई है बिल्कुल नॉर्मल है आपको, यानी वो फिट है। उसके साथ आपने नॉर्मली एक बेल्ट पहना, अगर आप नहीं भी पहनेंगे तब भी चल जाएगा। और अगर आप उसको नॉर्मली जज करेंगे, देखेंगे, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट से मुराद क्या होता है कि आपकी जो हिप एरिया होता है उससे जब आप नीचे थाई एरिया में जाते हैं तो वहाँ से लेकर जो नी है वहाँ तक थोड़ी सी फिटिंग होगी, और नी से फिर नीचे स्ट्रेट हो जाएगी। इसको कहते हैं कैजुअल पैंट। कैजुअल पैंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 पॉकेट्स होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन कौन सी? उनमें होती हैं 2 फ्रंट पॉकेट जिसके अंदर आप हाथ भी डाल सकते हैं, उसके अलावा एक कॉइन पॉकेट जिसको हम वॉच पॉकेट और टिकट पॉकेट के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपके रियर राइट साइड पर मौजूद होती है, वो भी आप उस पर देख सकेंगे। और इसके अलावा जो 2 पॉकेट्स हैं वो होती हैं बैक पैनल पर, बैक पॉकेट्स जो अटैच हुई होती हैं। तो ये टोटल 5 पॉकेट की एक पैंट होती है जिसको कैजुअल पैंट कहा जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है समझना। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि ड्रेस पैंट किसको कहते हैं। ड्रेस पैंट, दोस्तों, आपने डेनिम की पैंट देखी होगी और कॉटन की पैंट देखी होगी। ज़्यादातर लोग कॉटन की पैंट को समझते हैं। अगर मैं ट्विल फैब्रिक की पैंट कहूँ तो आपको शायद कई लोगों को जो इस काम से वाबस्ता नहीं है, जो फैब्रिकेशन को या जो गारमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, तो उनको शायद इसके बारे में मालूम ना हो। लेकिन अगर आपको मैं कॉटन की पैंट कहूँ तो आप आसानी आप समझ जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ड्रेस पैंट किसको कहते हैं। ड्रेस पैंट हमेशा आपकी सूटिंग ड्रेस होता है। आपने ज़िंदगी में पैंट कोट टाई के साथ या विदाउट टाई कभी ना कभी ज़रूर पहना होगा, लेकिन उसके नीचे जो आप पैंट यूज़ कर रहे होते हैं, उस कोट के नीचे, शर्ट के नीचे, यानी वो जो पेयर होता है 3-piece, यानी शर्ट, ऊपर कोट और नीचे पैंट, ये जो एक पेयर होता है ये ड्रेस पैंट
कहलाती है। ड्रेस पैंट में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इसमें फिटिंग्स का फर्क हो सकता है, फैब्रिक की कैटेगरी का फर्क हो सकता है या इसकी स्टाइलिंग की कैटेगरी का फर्क हो सकता है, तो ये बुनियादी फर्क हो सकते हैं। तो इस पैंट को कहा जाता है ड्रेस पैंट। तो दोस्तों इसके बाद अब समझ लेते हैं हमारे इंटरेस्टिंग और खास टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है उस पैंट को, यानी स्वेट पैंट को। स्वेट पैंट को दोस्तों आप बआसानी समझ सकते हैं और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन सही अवेयरनेस ना होने की वजह से या सही नाम मालूम ना होने की वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये स्वेट पैंट है क्या। दोस्तों स्वेट शर्ट तो आपने लाजमन जानी और पहचानी होगी, आपको पता होगा कि स्वेट शर्ट्स क्या होती हैं, और अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों स्वेट शर्ट कहा जाता है किसी भी गोल गले वाली या फिर कॉलर वाली शर्ट को जो कि फुल स्लीव होती है, यानी कि पूरी बाजू होती है। और अगर आप स्वेट पैंट कहें तो वो अमूमन आप डेली घर में शाम को या जॉगिंग पर पहनते हैं, वो होता है जी ट्राउज़र। ट्राउज़र आप देखते हैं कि जो फ्लीस का होता है ना, वो होता है आपका स्वेट शर्ट या स्वेट ट्राउज़र। ये जो फ्लीस की पैंट या फ्लीस की शर्ट होती है, इस फैब्रिक को जब आप किसी शर्ट और पैंट में आप बॉडी की रिलैक्समेंट के लिए या फिर वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए या फिर ट्रैक सूट के तौर पर आप जिन चीज़ों को समझते हैं उसको अगर आप एनालिसिस करें तो वही आपकी स्वेट शर्ट है और वही आपकी स्वेट पैंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में मैंने आपको कैजुअल ड्रेस और स्वेट पैंट और शर्ट के बारे में बखूबी बता दिया है और आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया फ़ायदा हासिल हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आने वाली वीडियोस में आपको मैं मज़ीद बताऊंगा कि पैंटों में और कैटेगरीज कौन सी होती हैं और इस तरह के आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आप मज़ीद प्लेटफॉर्म पर मुझे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और स्नैप वीडियो पर भी मुझे विजिट, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैजान, अस्सलाम वालेकुम।